Hello kids, welcome back to our English class. So today we are going to learn a new poem. This poem is about two birds and the name of the poem is Bird Talk. So as you can see, the name of the poem is Bird Talk. So obviously it means it is about birds. Agar poem ka naam kya hai? Bird Talk hai. Means ye poem kiske baare mein hai? Ye dono birds ke baare mein hai. Talk means baate karna. So Bird Talk means दो बर्ड्स के बीच में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में ये पोएम है. एंड हु हैज़ रिटन इट? एलिन फिशर. आई विल रीड इट अगेन. एलिन फिशर. हु हैज़ रिटन इट? एलिन फिशर. सो वी हैव गॉट सम न्यू वर्ड्स हियर. लेट्स सी द मीनिंग्स. बीटल्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े. छोटे छोटे कीड़े. सिटिंग मीन्स बैठना. सी हाउ दे आर सिटिंग ऑन दिस वायर. व्हाट डू यू मीन बाय वायर? तार. जो फ़ोन की तार रहती है, लाइट की तार रहती है, वायर्स रहते हैं, राइट? सो दिस तार्स आर कॉल्ड एज वायर्स. सो यूजुअली दिस बर्ड सिट ऑन दिस वायर्स, राइट? देन फनी मीन्स मज़ेदार. जिसको सुन के, कुछ देख के, सुन के हमें हंसना है. फनी. फनी मीन्स मज़ेदार. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम फर्स्ट. थिंक्स एट द रॉबिन, थिंक्स एट द जे, सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? So here, as you can see, there are two birds. One is robin and one is jay. They are talking to each other. So sometimes when we sit in garden or front yard in our house, what do? We sometimes observe these birds or any other animal and we find it very funny. Have you observed any cat? Ki aapne koi cat ko observe kiya hai? So we find it very funny the way it acts. Jab hum cat ko observe karte hain to hame bahut hi maza aata hai kyunki wo alag alag harkat karti rehti hai. So cats are very playful, so we also find it funny. Even dogs are very playful. So like we observe animals and birds, these birds are also observing people here. जैसे हम animal और birds को observe करते हैं, यहाँ पे ये birds लोगों को observe कर रहे हैं and they are talking about people. So let's see what they are talking. Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. So, this is robin and this is jay. Robin is saying, think. Think means socho. Jay says, same thing. Think, socho. Sitting in the garden, talking one day. Garden mein baith ke kya kar rahe the? Ek baar discussion kar rahe the. Ek dusre ko bol rahe the ki socho, socho. Talking one day. Garden means what? गार्डन मीन्स बगीचा. वॉट डू यू फाइंड इन गार्डन? गार्डन में क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या देखने मिलता है? यू कैन फाइंड मैनी ट्रीज, प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. एंड देन यू कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग विद ईच अदर. देन यू कैन सी मैनी बर्ड्स विजिटिंग दैट गार्डन. अभी ट्री है तो गार्डन में अगर ट्रीज हैं तो बर्ड्स भी आएंगे, राइट? गार्डन में बर्ड्स भी आते हैं बिकॉज दे लाइक टू सिट इन द वॉट गार्डन ऑन द ट्री. बिकॉज ट्री पे उन्हें क्या क्या मिलता है? उनका खाना मिलता है. सो वन डे दीज बर्ड्स ऑल्सो विजिटेड अ गार्डन एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. रॉबिन सेड थिंक, जे सेड थिंक. थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. सो वॉट आर दे टेलिंग टू थिंक? दे आर सेइंग थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. So now, how do these birds grow? They come out of an egg, which is of this size. Birds कैसे बाहर, कहाँ से आते हैं? एक तो अंडे से आते हैं, right? बहुत सारे birds अंडे से आते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं. And then they start growing. उन्हें उनके parents, जैसे कि उनकी माँ खाना ला के देती है, खाते हैं. Then they grow their feathers. फिर उनके पंख बड़े होने लगते हैं, फिर वो उड़ना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज हाउ दे ग्रो. सो नाउ दीज बर्ड्स आर थिंकिंग हाउ पीपल ग्रो. पीपल मीन्स लोग, ग्रो मीन्स बढ़ना. नाउ दीज बर्ड्स आर थिंकिंग हाउ वी पीपल ग्रो. इनका क्वेश्चन क्या है कि लोग कैसे बढ़ते हैं,
कैसे छोटे से बड़े होते हैं, बिकॉज हमारे तो लोगों के फेदर्स ही नहीं होते हैं, पंख ही नहीं रहते हैं, एट ऑल यू नो. सो दीज बर्ड्स आर थिंकिंग, इन लोगों के तो पंख ही नहीं हैं, ये उड़ते भी नहीं हैं, तो ये बड़े कैसे होते हैं. तो इनका क्वेश्चन क्या है, हाउ डू पीपल ग्रो विदाउट इवन हैविंग फेदर्स. फेदर मीन्स जो विंग्स रहते हैं उस पर क्या है ये फेदर्स. आई विल शो यू द पिक्चर. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. दे मीन्स वी पीपल. दे डोंट ईट बीटल्स, लोग क्या करते हैं, बीटल्स नहीं खाते हैं, कीड़े नहीं खाते. बीटल्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े रहते हैं. सो दे आर थिंकिंग, लोग तो बीटल्स ही नहीं खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स, इनके तो पंख भी नहीं रहते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग. ये लोग तो बड़े अजीब हैं, दे आर सेइंग ये लोग तो बड़े अजीब हैं, बिकॉज ना तो ये वायर पे बैठते हैं, ना कोई चीज़ पे बैठते हैं, ना कोई बिल्डिंग पे बैठते हैं. बर्ड्स यूजुअली सिट वेयर, दे सिट ऑन ट्रीज, दे सिट ऑन वायर्स, दे सिट ऑन बिल्डिंग्स, राइट. सो दे आर थिंकिंग दैट दीज पीपल डोंट सिट एनी वेयर, लाइक दे डोंट सिट ऑन वायर. ये जो लोग हैं ये तो वायर पे नहीं बैठते हैं, ये तो ट्रीज पे जाके नहीं बैठते हैं, तो ये बढ़ते कैसे हैं, ये रहते कैसे हैं, राइट. देन अगेन दे आर सेइंग थिंग्स एट द रॉबिन, थिंग्स एट द जे, aren't people funny to be that way. So now, because we people don't have feathers, we don't eat beetles, we don't grow wings, we don't sit on wires, we don't sit on trees, this is why these birds are finding us funny. वो हमें funny समझ रहे हैं, हमें मज़ेदार समझ रहे हैं, हमारे पे उन्हें हंसी आ रही है, because unlike them, unlike these birds, we don't grow feathers. We don't eat beetles, we don't grow wings, we don't sit on wires and all the things, right? So these birds are finding human funny, because we also sometimes find animals or birds funny, right? So in the same way, these two birds are also finding these humans, we humans, funny. So in a short summary, this poem is about two birds, Robin and Jay. Now they are questioning each other. कि क्या क्या पूछ रहे हैं, ये लोग कैसे ग्रो होते हैं, इनके फेदर्स नहीं हैं, बीटल नहीं खाते, पंख नहीं हैं, ये ना ही तार पे बैठते हैं, ना ही पेड़ पे बैठते हैं, ना ही बिल्डिंग पे बैठते हैं, तो ये कितने फनी हैं, इन पे तो हमें हंसी आ रही है. सो दिस इज वॉट दिस पोएम इज अबाउट. सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम. सो इन लाइव सेशन आई विल teach you this poem again. So now what you need to do, you need to remember the poet's name, Allen Fisher, and then you need to read this poem, and then you need to learn these new words. Okay, so see you in the next class. Till then, take care and study well.